अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों की अर्निंग की तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है और वो वेबसाइट एनएल ग्रीन पावर जो है वो भाग चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और लिंक के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कोई भी एनएल ग्रीन पावर की वेबसाइट, बहुत सारे बन गए हैं अभी, एनएलपीके है, एनएलपीके डॉट टॉप है, एनएल मई है, बहुत सारे वेबसाइट बन गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा वेबसाइट है, इसमें इसके अंदर मुझे जो न्यूज़ मैंने चेक किए हैं और रिसर्च की है इस वीडियो के ऊपर, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ब्राउज़र एट वर्क है। यहाँ पर क्लाउड नोड जो है वो भी वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर इस वेबसाइट का यानी कि सर्वर जो है वो डाउन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने चेक किया है कि कंपनी ने खुद यानी कि गुड बाय कहा है, कंपनी ने खुद इस वेबसाइट को बंद किया है। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जिनको जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक जाने की वजह से उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि 24 आवर हो चुके हैं अभी तक साइट ओपन नहीं हो रहा, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका सर्वर डाउन है। बिल्कुल ये कंपनी की जानिब से ही बंद कर दिया गया है इस वेबसाइट को। अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट की है इसमें, तो मैं आप लोगों को तरीक़ेकार समझाऊँगा कि आप कैसे इससे अपना इन्वेस्टमेंट वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनके इनके ऊपर हम यानी कि पाकिस्तानी क्राइम, साइबर क्राइम के ऊपर रिपोर्ट करके इनके ख़िलाफ़ हम केस दर्ज कर सकते हैं। मेरे पास एक टेलीग्राम आता है और उसने मुझे टेलीग्राम में लिखा है कि भाई मैंने 50,000 इस वेबसाइट एनएल ग्रीन पावर के अंदर इन्वेस्ट किए थे, और वो बंदा रो रहा है और कह रहा है कि मैंने ये 50,000 यानी कि उधार लोन उठाकर इसमें इन्वेस्ट किए थे ताकि मुझे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट को, जो हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान की साइबर क्राइम ये है। तो यहाँ पर आपने सिंपल रिपोर्ट साइबर क्राइम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज करवानी है, ऑनलाइन केस रजिस्टर करवा देनी है। जिसके बाद ये क्या करने वाला है कि ये जो हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साइट है साइबर क्राइम का, ये टोटली आपका कंप्लेंट रिव्यू करेंगे और एक या दो दिन के बाद आपके साथ रابطہ करेंगे और आपसे पूछेंगे आपने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और क्या प्रॉब्लम आपको आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ऊपर अपना फुल नेम, लीगल नेम लिखना है, फिर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपने जेंडर लिखना है, और फिर मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप अपना यानी कि प्रोफेशन बताएंगे कि आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई जॉब करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप अपना पोस्टल कोड, एड्रेस वगैरह, सिटी और क्राइम कैटेगरी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपने पूरा डिटेल के साथ समझाना है कि किस तरह से आपके साथ धोखा किया गया है। तो ये एक लीगल प्रोग्राम है, यानी पाकिस्तानी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना एक लीगली बनता है, जिस बंदे के भी पैसे एनएल ग्रीन पावर या फिर एनएल डॉट मई वाले वेबसाइट उन्हें खा गए हैं। तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़िलहाल आप यहां पर टिक लगा के इसको सबमिट कर दें कंप्लेंट को, ये आपका साइबर क्राइम, पाकिस्तानी साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट जाएगा और वहां पर रिव्यू करने के बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।